ये सांसद जी कार्यक्रम को खराब करने में लगे हैं, इनका खुद का कार्यक्रम लगे हैं, अब खुद ही खराब हो रहा है इसको। ये सांसद जी खुद का कार्यक्रम है, आपका आप सांसद है यहाँ से, आपकी कोई मान मर्यादा है, आपका कोई स्टेटस है, खराब है कोई सरकारी बात है, इसका उम्र है, ये खराब बात। आप सांसद जी खुद का आपकी बात सुन रही है, आप किसी को सुनना नहीं चाहते हो, इससे कितनी घटिया बात क्या हो सकती है। और आइए, ये सरकारी बात है, हो गई है बात, अंधार है ना, कार्यक्रम शुरू कर देंगे जी जी, वो प्रोग्राम सभी अपने अपने स्थान पर बैठे प्लीज। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये पार्टी का कार्यक्रम बनाते हैं हर जगह, ये सरकारी कार्यक्रम है। भारत माता की, भारत माता की जय के नारे लगाने से आप नाराज क्यों हुए? ये पार्टी के नारे लगा, आप भारत माता की जय का, भारत माता की जय नारा लगाने से नाराज क्यों हुए? आप भारत माता के जय का नारा लगाने से नाराज क्यों हुए? भारत माता के जय के नारा लगाने से नाराज क्यों हुए? शामिल हुए हमारे पिछले 4 साल के अथक प्रयासों से मेरी लोकसभा क्षेत्र के 2 स्टेशन अमरोहा और गजरौला जो है वो रिवैम्प योजना में
शामिल किए गए हैं जिनका शिलान्यास आज किया गया। मैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहले गजरौला गया और बाद में अमरोहा आया, क्योंकि दोनों स्टेशन के को रिमेम कराने के लिए मैंने लोकसभा में भी उठाया था और माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर भी बार बार अनुरोध किया था। मुझे खुशी है कि अमरोहा की जनता को अमरोहा रेलवे स्टेशन और गजरौला रेलवे स्टेशन जो है वो उसका अब जो है नवीनीकरण होगा, उससे सुविधाएं बढ़ेंगी। भाजपा के MLC हैं हरी सिंह ढिल्लों, उनका आरोप है कि सांसद ने जो है कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे का विरोध किया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं रहा, इनके पुरखों का देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं रहा, ये हर सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का RSS का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। मैं एक लोकल सांसद होने के नाते उस कार्यक्रम में था, ये नहीं चाहते कि हम जो विकास कार्य एक सांसद के रूप में जनप्रतिनिधि के रूप में करा रहे उसका श्रेय हमें मिले। ये हर सरकारी कार्यक्रम को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में तब्दील कर रहे हैं। हम लोग ये हमें ये लोग वो लोग सिखाएंगे देशभक्ति जिनका आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। आज माफी वीर जो हैं वो देशभक्त हो रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की आंदोलन 9 तारीख को शुरू होने वाला, उसकी पूर्व संध्या है, किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? यूसुफ मेहर अली खान ने भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और RSS ने उस वक्त अंग्रेजों का साथ दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, भाई अपने इतिहास में तो जाइए आप, आपका देश की आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। हर चीज जो इस देश में पिछले 75 साल में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जितने भी प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह जी तक, देवेगौड़ा जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, चौधरी चरण सिंह हो, सबका किया हुआ सिर्फ जैसे ये देश जो है 2014 से पहले ना तो आजाद हुआ था ना इस देश में कोई विकास कार्य हुआ था। विवाद किस बात को लेकर हुआ? आज कोई विवाद ही नहीं, विवाद सिर्फ इस बात को लेकर कि वो इस कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बनाना चाहते थे जिसका हमने विरोध किया। ये सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए और वहां वो प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नारे लग रहे थे, वहां भाजपा के नारे पार्टी के नारे लग रहे थे जिसका हमने विरोध किया। उनका कहना है भारत माता की जय कहने पर विवाद हुआ, MP नहीं कहना चाहते थे। भारत माता अकेले इनकी है, इनके बाप दादाओं की, भारत माता जितनी इनकी है उससे ज्यादा हमारी है। हम 5 वक्त भारत माता को सजदा करते हैं, हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो जमीन पर माथा टिकता है। इनके कहने से बकवास करने से क्या होता है? यही तो इसी मेजोरिटेरियनिज्म के खिलाफ ही तो हमें जबरदस्ती आप जो है हर किसी को वो करेंगे क्या? क्या इनका आजादी से कोई इतिहास नहीं, इनका देश के योगदान में कोई इतिहास नहीं। अंग्रेजों के साथ समझौता करके अंग्रेजों की दलाली करते थे इनके पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया, लाखों लोगों ने हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ठीक, थैंक यू। बड़ा सोचना चाहिए था, मुखिया जी जी को ले लो और जी जी बताएं बताएं, बड़ा सोचना चाहिए। वो सांसद है यहाँ के, भारत माता की जय मारना या छठ माता की जय करना कोई ऐसा नहीं है, ये हमारा नारा, हिंदुस्तान के लोगों का नारा, उसका उन्होंने विरोध किया, ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय बात। क्या कहा है भारत माता? विवाद किस बात पे हुआ है? भारत माता की जय मारने पे विवाद तो हुआ कि ये सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम भारत माता की जय नहीं मारी जाएगी। भारत माता की जय मानना हमारा नारा, हमारा देश है, हम देश के लिए नारा नहीं मारते। तो आप लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे? जी जी। उसका तो आप चाह रहे थे कि MP साहब भी लगाएं? इसका क्या मतलब है? मैं किसी थोड़ी का ये लगाओ मैं ये मत लगाऊं। जी मैंने लगाया तो लोगों ने नारा लगाया। अच्छा, तो उसका उन्होंने प्रतिवाद किया, वो ठीक नहीं। क्या कहा MP साहब? वो कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रम है हम, ये उसका नहीं, एक भारत माता की नारा कोई सरकारी बात थोड़ी। क्या नरेंद्र मोदी ने नहीं सुना अपने भाषण? ना करते हैं ना करने देते हैं, क्यों? मैंने आंकड़ों के हिसाब से आपको बताया कि हिंदुस्तान में इतनी तरक्की, आज यही हालत, आज जो अमरोहा स्टेशन देख रहे हैं ऐसे ही था 9 वर्ष पहले, उससे पहले पूरी देश की स्थिति क्या थी आप सबको पता। तो ये इतनी छोटी चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। वो मैं सरकारी केंद्र का कार्यक्रम था, केंद्र के एक अकेले वो सांसद थे, वो उनकी ज्यादा, उनको इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाने के लिए उनका नैतिक जिम्मेवारी उनकी ज्यादा थी।
लेकिन उस जिम्मेवारी को उन्होंने निभा नहीं किया। मुझे खेद है, नहीं कि मुझे खेद है, कहीं ऐसा मुझे खेद है दूसरी पार्टी के सांसद यहाँ आए हो उसका कुछ नहीं, नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। किसी कार्यकर्ता ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, हमारे किसी कार्यकर्ता ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, वो समाचार पूरा देखते रहे, सारी चीजों को आंकलन करते हैं और सबने मोदी जी के कार्यक्रम को सराहा और सब आप सब लोग आए, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं।